इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्कूटर्स के बारे में जिनमें आपको मेटल बॉडी देखने मिल जाती है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेटल बॉडी वाले स्कूटर के बारे में बता दे, तो आज हाजिर है वीडियो। इस वीडियो में सभी वो स्कूटर्स हम काउंट करने वाले हैं जो BS6 अवतार में अवेलेबल है, यानी BS4 वालों को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, जो BS4 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई है। तो यहाँ पर BS6 स्कूटर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। होंडा एक्टिवा 6G की पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है मेटल बॉडी, लेकिन आपको बता दूं कि पूरा मेटल बॉडी नहीं है। और ये बात भी क्लियर रख लो कि किसी भी स्कूटर में पूरा मेटल बॉडी देखने नहीं मिलता, कुछ पार्ट्स फाइबर के भी बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मेटल का देखने मिलता है, तो आप जो साइड पैनल्स देखते हो वो यहाँ पर मेटल के होते हैं, फ्रंट में जो आप देखते हो वो फाइबर का होता है, लेकिन फ्रंट में साइड में कवरिंग देखते हो आप, जो पैनल्स लगे होते हैं वो यहाँ पर मेटल के होते हैं। तो इतने पार्ट्स आपको मेटल के देखने मिलते हैं। साथ ही अगर आप फेंडर देखोगे, फेंडर यानी अब आपको सीधा बता दो, आप जो मडगार्ड होता है फ्रंट में, फेंडर होता है, कवरिंग होता है व्हील का, वो यहाँ पर मेटल का देखने मिलता है आपको होंडा एक्टिवा में। और यही कारण है कहीं ना कहीं होंडा एक्टिवा बहुत अच्छी सेल्स लाता है, क्योंकि लोग यूजली प्रेफर करते हैं भैया मेटल बॉडी वाला स्कूटर। और अगर आपको भी पसंद है मेटल बॉडी वाला स्कूटर, तो डेफिनेटली होंडा एक्टिवा आपकी लिस्ट में हो गई। थोड़े से इंजन फिगर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 110cc का इंजन देखने मिलता है, जिसकी पावर यहाँ पर 7.68 PS है, और यहाँ पर माइलेज अराउंड 45 to 50 KMPL इजीली मिल जाएगा। हाईवेज में ले जाओगे तो और अच्छा माइलेज मिल जाएगा। सेकेंड स्कूटर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आता है होंडा का ही होंडा एक्टिवा 125। यस, यहाँ पर भी आपको मेटल बॉडी देखने मिलती है, काफ़ी सारा मेटल देखने मिलता है स्कूटर में आपको। और यहाँ पर आपको रियर में पैनल्स हैं वो मेटल के देखने मिलते हैं, फ्रंट में भी कुछ पार्ट्स को यहाँ पर मेटल से बनाया गया है। तो ये स्कूटर अगर आप मेटल स्कूटर्स के प्रेफर करते हो और आपको 125cc वाला इंजन चाहिए, तो आपके लिए एक्टिवा 125 BS6, क्योंकि BS4 शायद ही अब आपको मार्केट में देखने मिले, लेकिन अगर मिल जाता है तो उसे भी ले सकते हो। वहाँ पर भी आपको मेटल बॉडी ही देखने मिलती थी, और BS6 अवतार में भी आपको अगेन मेटल बॉडी ही स्कूटर में देखने मिलती है। यहाँ पर आपको इंजन पावर 8.2 PS की देखने मिलती है, माइलेज अगेन आपको यहाँ पर 45 to 50 KMPL ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप इसे बार बार एक्सलेट नहीं करोगे, बार बार ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे, तो आपको और अच्छा माइलेज भी देखने मिल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मेटल बॉडी ही सब कुछ है, मेटल बॉडी से ही सब कुछ मिलेगा, तो नहीं भैया, इसके भी कुछ प्रोज हैं, इसके भी कुछ कॉन्स हैं। यानी मेटल बॉडी में भी कुछ खराबियाँ होती हैं, फाइबर बॉडी में भी कुछ खराबियाँ होती हैं। थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, मेटल बॉडी वाले जो स्कूटर्स होते हैं वहाँ पर रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ टाइम पर रस्ट लगने लगता है। अब ये सभी स्कूटर्स में नहीं होता, प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे तो हो सकता है आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम देखने ना मिले। वहीं फाइबर बॉडी स्कूटर्स में आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती है। सेकेंड प्रॉब्लम जो मेटल बॉडी स्कूटर्स में होती है वो होती है डेंट, बहुत जल्दी डेंट पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं, बट फाइबर बॉडी में बहुत जल्दी स्क्रैचेस नहीं लगते हैं, डेंट उतनी ईजिली नहीं आते हैं। मतलब या तो टूट ही जाएगा, या तो हो सकता है शॉक एब्जॉर्ब करके वापस अपनी पोजीशन ले ले। ये चीज़ आपको फाइबर में देखने मिलती है, मेटल में देखने नहीं मिलती। मेटल में अगर एक बार कुछ अंदर डेंट पड़ गया तो उसे आपको रिपेयर कराना ही पड़ेगा। लेकिन थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी होती है कि आपको मेटल बॉडी स्कूटर्स में अगर आप देखोगे तो अगर डेंट पड़ा तो आप उसे इजीली रिकवर करा सकते हो, बाहर से कहीं से रिपेयर करा सकते हो, बट फाइबर बॉडी अगर एक बार टूट गया तो फिर भाई चेंज ही करना पड़ेगा, वरना फिर फेविकोल लगाओ और चलाओ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा स्कूटर पसंद है। दोनों ही स्कूटर में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खराबियाँ होती हैं। थर्ड स्कूटर की भी यहाँ पर बात करते हैं, तो वो यहाँ पर सुजुकी एक्सेस 125। आप सभी यहाँ पर वेट करोगे कि भैया इस स्कूटर के बारे में जरूर बताओ, क्योंकि सेल्स के मामले में कई बार जुपिटर को बीट कर देता है और सेकेंड रैंक पर भी आ जाता है टॉप 10 स्कूटर की सेल्स में। तो यहाँ पर भी आपको अगर बात करें मेटल बॉडी की, तो आपको यहाँ पर मेटल बॉडी देखने नहीं मिलती है। बट रुको, थोड़ी सी आपको जरूर मेटल बॉडी देखने मिलती है, वो यहाँ पर इसका फेंडर, फ्रंट फेंडर यहाँ पर मेटल बॉडी का बना हुआ है, और ये आपको वेबसाइट में भी देखने मिल जाएगा, वेबसाइट में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। बट पूरा स्कूटर फाइबर का, फेंडर मेटल का, इस पर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्कूटर जो जाना जाता है वो अपनी फाइबर बॉडी के लिए नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, और अगर आपको चलाने में एक शानदार स्कूटर चाहिए तो आपकी एक्सेस बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। यहाँ पर आपको 125cc का इंजन देखने मिलता है, जिसमें आपको 8.7 PS की पावर देखने मिलती है, और 125cc स्कूटर्स में अगर आप पावर कंपेयर करोगे तो यूजुअली स्कूटर्स में पावर कम हुई है BS6 में, बट यहाँ पावर कम नहीं हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ स्कूटर की, तो यहाँ पर आता है जो सब में डाउट होता है, अधिकतर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया जुपिटर में मेटल बॉडी है क्या? तो आपको बता दूं, जुपिटर में यहाँ पर मेटल बॉडी देखने मिलती है। क्या क्या देखने मिलता है मेटल का, तो ये भी बता देता हूं।
जो रियर में आपको पैनल्स देखने मिलते हैं, कवरिंग होती है वो यहाँ पर मेटल की होती है। साथ ही अगर आप फ्रंट में देखो तो फ्रंट में जो आपको फेंडर देखने मिलता है वहाँ भी आपको देखने मिलता है मेटल। तो यानी अगर आप एक मेटल स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये भी आपकी लिस्ट में हो सकता है। हाँ, यहाँ पर मेटल बॉडी की बात करें तो कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज जरूर होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को देख के लगता है कि शायद जुपिटर में मेटल बॉडी नहीं है। बट आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको जुपिटर में ही मेटल बॉडी देखने मिलती है। कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में उतना ज़्यादा नहीं दिखाती कि मेटल बॉडी बहुत ज़्यादा दिखा रही हो, बट हाँ इसमें आपको मेटल बॉडी देखने मिलती है। तो अगर आप स्कूटर को लेने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। यहाँ पर आपको 110 सीसी का इंजन देखने मिलता है, जिसकी पावर यहाँ पर 7.4 PS के अराउंड है, और अगर आप माइलेज सोच रहे हो तो 50 KMPL के अराउंड मिल जाएगा। हाईवेज में चलाओगे तो और अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा। यहाँ पर अंडरसी स्टोरेज भी BS6 में काफ़ी अच्छा हो गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ स्कूटर की, तो यहाँ पर आता है होंडा का डियो। होंडा डियो काफ़ी स्टाइलिश स्कूटर है, और आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जो स्टाइलिश स्कूटर्स होते हैं ना वहाँ पर आपको यूजुअली मेटल बॉडी देखने नहीं मिलती है। अब आप किसी भी स्टाइलिश स्कूटर को देख लो जो इंडिया में अवेलेबल है, यूजुअली वो फाइबर बॉडी ही ऑफर करते हैं, क्योंकि मेटल बॉडी के साथ स्टाइलिश लुक्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कंपनीज के लिए, और फिर वेट भी बढ़ जाता है। मेटल बॉडी स्कूटर्स का वेट यूजुअली ज़्यादा होता है कंपेयर टू फाइबर बॉडी स्कूटर्स, इसलिए यूजुअली कंपनी अवॉइड करती है स्टाइलिश स्कूटर्स में मेटल यूज़ करना। अब यहाँ पर होंडा डियो के बारे में आपको एक और बात बता दूँ कि ये स्कूटर दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, और अगर आप यंगस्टर हो तो आपको डेफिनेटली इसके लुक्स बहुत पसंद आते होंगे। बट डोंट फॉरगेट, यहाँ भी आपको फाइबर बॉडी ऑफर की जाती है। अब बात आ गई यहाँ पर सिक्स्थ स्कूटर की, और ये स्कूटर यंगस्टर को ही टारगेट करके बनाया गया है। आप शायद समझ गए होंगे 125 cc वाला स्कूटर है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये TVS Ntorq काफ़ी अच्छा स्कूटर है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, सभी जगह काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन आपको यहाँ पर फाइबर बॉडी देखने मिलती है। अब फाइबर बॉडी से आपको यही लग रहा हो कि फाइबर बॉडी क्यों, तो ये भी बता दूं आपको कि ये एक स्टाइलिश स्कूटर है, एंड अगेन जो स्टाइलिश स्कूटर्स होते हैं उनमें यूजुअली कंपनियाँ फाइबर बॉडी ही ऑफर करती हैं, तो यहाँ भी आपको फाइबर बॉडी देखने मिलती है। यहाँ पर आपको 125 cc का इंजन देखने मिलता है, जिसकी पावर यहाँ पर 9.4 PS है, और अगर आप माइलेज सोच रहे हो तो माइलेज अराउंड आपको 45 KMPL के आसपास मिल जाएगा। हाईवेज में हो सकता है और अच्छा मिल जाए। इस स्कूटर की खासियत इसकी पावर और लुक्स दोनों ही है, साथ ही इसका जो डिजिटल मीटर है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है, और अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लवर हो, अगर आप यंगस्टर हो, तो आपको इसके लुक्स, इसकी परफॉर्मेंस और इसका जो डिजिटल मीटर है तीनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और आपका इस पर क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। अब यहाँ पर बात आ गई यामाहा का कौन से स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर यामाहा का फैसिनो के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यामाहा फैसिनो में आपको फाइबर बॉडी ही ज़्यादातर देखने मिलती है, क्योंकि इसके लुक्स भी बहुत स्टाइलिश हैं, और स्टाइलिश स्कूटर बहुत सारे कर्व्स, यानी यहाँ पर यूजुअली आपको फाइबर बॉडी ही देखने मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर भी फाइबर बॉडी देखने मिलती है। बट नो डाउट ये स्कूटर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। आपको ऐसा लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर आपको 125 सीसी का इंजन देखने मिलता है, जो पहले BS4 में 113 cc बोल दो भाई, 113 सीसी का था, और अब यहां पर 125 सीसी इंजन ऑफर करता है। लेकिन यहां पर इसकी पावर भी आपको काफी चीज देखने मिलती है, वो अराउंड 8.2 PS, जो पावर के हिसाब से सेगमेंट के दूसरे स्कूटर से लगभग मिलती जुलती ही है। और इस स्कूटर की खासियत इसके लुक्स ही है, इसके लुक्स काफी स्टाइलिश है। आपको कैसे लगते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इस स्कूटर की खासियत इसका अंडरसी स्टोरेज भी है, जो काफी ज्यादा है कंपेयर टू सेगमेंट से कंपेयर करें तो अच्छा खासा स्टोरेज देखने मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर उसका वेट है वो काफी कम है, तो अगर आप एक लाइट वेट स्कूटर की तलाश में हो तो आपकी तलाश में ये स्कूटर जरूर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लाइट वेट बनाने के लिए स्कूटर में फाइबर यूज किया गया है। फाइबर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई फाइबर बॉडी स्कूटर से। बट आप सभी पूछते हो कि भैया फाइबर बॉडी लें या मेटल बॉडी लें, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेटली आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज दोनों ही स्कूटर में अपने कुछ प्रोज होते हैं, अपने कुछ कॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एज स्कूटर की, तो यहाँ पर अब भाई रैंक वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स बता रहा हूँ। प्लीज़ इसे रैंक मत लेना ना कि भैया रैंक हो गया, ऐसा रैंक वैंक नहीं ले रहे हैं, मतलब सिर्फ नंबर्स बता रहा हूँ, तो इससे प्लीज़ रैंक मत करना किसी भी स्कूटर को। वो यहाँ पर यामाहा का रेज चढ़ा में काफ़ी अच्छे आपको लुक्स देखने मिलते हैं, बट नो डाउट इधर भी आपको फाइबर ही देखने मिला है। और यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वही इंजन ऑफर किया गया जो आपको यामाहा फैसिनो में ऑफर किया गया है, यानी यहाँ भी आपको 125 cc इंजन ऑफर किया गया है, जिसकी पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैंने आपको फैसिनो में बताई हुई थी। तो मैं अगेन क्यों बताऊं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे लुक्स देखने मिलते हैं, बट फिर अगेन वही बात आती है कि भैया यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी देखने मिलती है, और वही बात फिर से साबित होती है कि भैया स्टाइलिश लुक्स यानी अट्रैक्टिव लुक्स यानी फाइबर बॉडी।
तो यहाँ पर अगर आपको ये स्कूटर पसंद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी खासियत इसके मीटर भी है जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है, और ये स्कूटर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश हो गया है। बट वो लास्ट रिव्यूज आएंगे आप सभी के, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पसंद आए, हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद ना आए। अब 9th रैंक पर आता है हीरो का डेस्टिनी, हीरो डेस्टिनी 125। यहाँ पर मेटल बॉडी के साथ आता है। यहाँ पर आपको अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने मिलता है 125 सीसी का इंजन, जिसकी पावर यहाँ पर 9 PS है। यहाँ पर आपको 45 के आसपास माइलेज भी देखने मिल जाता है। जो लोग यहाँ पर मेरे से पूछने वाले हैं कि भैया कौन सा पार्ट मेटल का बना है, तो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये गाड़ी मुझे अभी तक रिव्यू के लिए नहीं मिली है। रोड्स पर दिखी बट ऐसे नहीं दिखी कि भाई मैं रोक के बोल सकूं कि भैया दिखा दो थोड़ा, ऐसा कभी मुझे दिखी नहीं। अगर इनके दिखी तो डेफिनेटली इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। ये स्कूटर की खासियत यही है कि इसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटेटिव है, तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आप एक 125 सीसी स्कूटर ही लेना चाहते हो कि हमें तो चाहिए भैया एक 125 सीसी स्कूटर, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। अदरवाइज दूसरे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। अब यहाँ पर लास्ट स्कूटर की बात करें तो वो यहाँ पर हीरो मेस्टो एज। इस स्कूटर में आपको फाइबर बॉडी देखने मिलती है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा तो आप समझ गए होंगे कि अगर स्टाइलिश या डायनेमिक लुक्स हैं तो आपको यहाँ पर फाइबर बॉडी ही ऑफर की जाएगी। तो इस स्कूटर में भी आपको फाइबर बॉडी ही ऑफर की जाती है, क्योंकि यहाँ भी आपको डायनेमिक और स्टाइलिश लुक देखने मिलते हैं। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पर अगर कुछ स्कूटर्स मैंने मिस कर दिए तो आपको बता दूं कि मैंने उन्हीं स्कूटर को यहाँ पर काउंट किया है, तो सेल्स के मामले में भी काफ़ी अच्छी रैंक करते हैं। हो सकता है कोई स्कूटर छूट गया हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट इस वीडियो को अगर हम ऐसे बनाते कि कौन कौन से मेटल वाले हैं, कौन कौन से फाइबर वाले हैं, तो बहुत बड़ा वीडियो खिंच जाता है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हीं स्कूटर्स को रैंक किया जो स्कूटर्स यहाँ पर सेल्स के मामले में भी काफ़ी अच्छी रैंक करते हैं, ताकि आप में से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप एक्सेसरीज लेते हो, क्योंकि आजकल सभी स्कूटर्स के साथ आपको एक्सेसरीज ऑफर किए जाते हैं, उन एक्सेसरीज से आपको यूजुअली डेंट या स्केचेस की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। इवन स्कूटर गिर जाता है, थोड़ा बहुत घसीट भी जाता है, तो भी हो सकता है आपके स्कूटर में एक भी डेंट या स्क्रैच ना आए, क्योंकि जो कवरिंग होती है ना, जो आप अलग से लेते हो एक्सेसरीज, उसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है बॉडी के लिए। बट स्टिल अगर आप एक मजबूत बॉडी चाहते हो तो आप फिर मेटल बॉडी के लिए जाओगे, लेकिन अगर डेंट पड़ा ना तो भाई स्क्रैच डेंट बहुत ईजिली दिखते हैं मेटल बॉडी में, फाइबर बॉडी में उतनी ईजिली डेंट नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके में कवरिंग लगी है तो आपके में चाहे मेटल बॉडी हो चाहे फाइबर बॉडी हो, दोनों में ही डेंट आने के चांसेस कम ही होते हैं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और डेफिनेटली स्क्रैचेस आएंगे ही आएंगे। सो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन मेटल बॉडी स्कूटर्स के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड अगर आपका कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो।